बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम अजीज तुलबा। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आईकॉम पार्ट टू का लेक्चर नंबर 3 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हमारा टॉपिक होगा इशुएंस ऑफ शेयर्स टू डायरेक्टर्स, प्रोमोटर्स एंड अंडरराइटर्स। जैसा कि बेटे आप लोग जानते हैं कि पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने पब्लिक को शेयर जारी कैसे करने हैं उनकी जनरल एंट्रीज को सीखा था और आज हम डायरेक्टर्स, प्रोमोटर्स और अंडरराइटर्स को शेयर कैसे जारी करने हैं और उनका क्या तरीकाकार होगा, उसमें क्या जनरल एंट्री पास होगी वो सीखेंगे और उसके साथ साथ हम किसी भी असासे की खरीदारी के एवज किसी वेंडर को या किसी इदारे को जब शेयर जारी करते हैं तो उसमें क्या एंट्री पास होगी या कौन सी एंट्रीज पास होंगी उनको आज हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो सबसे पहले जब हम अंडरराइटर्स, प्रोमोटर्स या डायरेक्टर्स को शेयर जारी करते हैं तो उसके लिए हमें एप्लीकेशन को रिसीव करने और उनको स्क्रूटनाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस तरह पब्लिक से एप्लीकेशन रिसीव करते हैं और उसके बाद उनको स्क्रूटनाइज करते हैं फिर शेयर अलॉट करते हैं, वो इसलिए क्योंकि पब्लिक आउटसाइड पर्सन हैं लेकिन प्रोमोटर्स, डायरेक्टर्स या अंडरराइटर्स का कंपनी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, इसलिए उनको शेयर जारी करते वक्त एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए हम डायरेक्ट शेयर जारी करने की एंट्री जो है वो रिकॉर्ड कर देते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्टर्स को, अंडरराइटर्स को या प्रमोटर्स को जब शेयर जारी किए जाते हैं तो सेम एंट्री पास होती है, इसीलिए मैंने एक ही एंट्री लिखी है, बार बार अलग अलग एंट्रीज नहीं लिखी। और वो एंट्री क्या है कि बैंक अकाउंट को हम करते हैं डेबिट और शेयर कैपिटल अकाउंट को हम करते हैं क्रेडिट। बैंक से मुराद कि अंडरराइटर्स को शेयर इशू करते वक्त अंडरराइटर्स कंपनी के बैंक में डायरेक्ट अमाउंट डिपॉजिट करेंगे, प्रोमोटर्स को जारी करनी है तो प्रोमोटर्स भी बैंक में डिपॉजिट करेंगे, डायरेक्टर्स को इशू कर रहे हैं तो डायरेक्टर्स भी बैंक में डिपॉजिट ही करेंगे, जिसकी वजह से बैंक अकाउंट में इंक्रीज आएगा और उस इंक्रीज को हम डेबिट शो करेंगे। और उसके अपोजिट शेयर कैपिटल इंक्रीज होगा शेयर्स के इशुएंस की वजह से, जिस बिना पर हम शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद प्रोमोटर्स जो हैं क्योंकि वो कंपनी के बनाने वाले लोग हैं, कंपनी के बानी होते हैं और वो कंपनी के लिए वर्किंग कर रहे होते हैं, उस वर्किंग के एवज उन्हें मुआवजा दिया जाता है, रेमुनरेशन या कमीशन की शक्ल में पेमेंट की जाती है। लेकिन समटाइम्स कंपनी के इनिशियल इतने हैवी एक्सपेंडिचर हो चुके होते हैं कि वो अमाउंट उनको कैश की शक्ल में अदा करना कंपनी के लिए फौरी तौर पर पॉसिबल नहीं होता, तो उसकी वजह से प्रोमोटर से एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है कि अगर उनको कैश की शक्ल में पेमेंट करने की बजाय उन एक्सपेंसेस के एवज या उन सर्विसेज के एवज उनके रेमुनरेशन को शेयर की शक्ल में अदा कर दिया जाए और प्रोमोटर इस बात पर एग्री हो जाए तो फिर हम प्रोमोटर्स को उन एक्सपेंसेस के एवज शेयर जारी करते हैं और उन तमाम एक्सपेंसेस या उन तमाम सर्विसेज के मुआवजे को प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहा जाता है, यानी ऐसे खर्चात जो कंपनी को बनाने और स्टार्ट करने के लिए इनिशियल तौर पर किए जाते हैं वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाते हैं। उन प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को कौन पे करता है, ये कौन मीटअप करता है, ये कौन अदा करता है, वो ज्यादा प्रोमोटर्स के हाथ में आते हैं। तो उसके लिए हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब प्रीलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट होगा ड्यू टू इंक्रीज इन एक्सपेंस और शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा ड्यू टू इंक्रीज इन शेयर कैपिटल। तो ये एंट्री इस तरीके से पास की जाएगी। अब हम सीखेंगे कि अगर कंपनी ने इनिशियल बेसिस पर जब स्टार्ट होती है तो डिफरेंट एसेट्स की उसे जरूरत होती है, उनमें से कुछ एसेट्स को वो नकद कैश की शक्ल में पेमेंट करके खरीद लेते हैं, कुछ एसेट्स को खरीदने के लिए वो किसी भी इदारे से या किसी इंस्टीट्यूट से एसेट को खरीदारी के एवज शेयर जारी करने का एग्रीमेंट कर लेते हैं। उसके लिए वो इदारा जो शेयर्स खरीदने के लिए एग्री हो, ये एग्रीमेंट सिर्फ उसके साथ हो सकता है, और वो इदारा जो शेयर्स खरीदने के लिए या शेयर हासिल करने के लिए ख्वाहिश का इजहार ना करे और वो कैश रिक्वायर करे तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, उनको कैश की शक्ल में पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है कि अगर किसी शख्स को या किसी इदारे को हमने शेयर इशू करने हैं अगेंस्ट द परचेज ऑफ एसेट तो उस सूरत में हम क्या एंट्रीज पास करेंगे। यहाँ पर मैंने वर्ड यूज किया है वेंडर, वेंडर से मुराद वो इदारा है या वो शख्स है जिससे हम वो एसेट बाय करते हैं कंपनी के अंदर। तो उसके लिए सबसे पहले हम एंट्री पास करते हैं एसेट को खरीदने की, एसेट्स अकाउंट डेबिट एंड वेंडर अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पर एसेट अकाउंट डेबिट हुआ ड्यू टू इंक्रीज इन एसेट और वेंडर अकाउंट क्रेडिट होगा ड्यू टू इंक्रीज इन लायबिलिटी।
उसके बाद जब हम वेंडर को शेयर जारी करते हैं तो वो तीन सूरतों में हो सकते हैं, पार पर भी, प्रीमियम पर भी और डिस्काउंट पर भी। अगर पार पर इशू करेंगे तो उस वक्त हमारी एंट्री क्या होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पर जो वेंडर लाइबिलिटी बना था पहली एंट्री में, अब उस लाइबिलिटी की पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ शेयर हो रही है, तो लाइबिलिटी डिक्रीज होगी डेबिट और शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गया क्रेडिट। लेकिन अगर वो पार की जगह प्रीमियम पर जारी करेंगे तो प्रीमियम की नीचे एंट्री मैंने लिखी हुई है, जिसमें हम वेंडर अकाउंट को उतनी ही अमाउंट से जितने से यहाँ पर हमने पहली एंट्री में क्रेडिट किया था डेबिट कर देंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट शेयर कैपिटल में इजाफे की वजह से क्रेडिट, और शेयर प्रीमियम यानी कैपिटल रिजर्व में इजाफे की वजह से क्रेडिट। जब कल हमने जब प्रीमियम पर एंट्री पास की थी तो उसमें भी शेयर प्रीमियम को हमने क्रेडिट ही किया था। तीसरी सूरत होती है कि अगर शेयर को इशू किया जाए डिस्काउंट प्राइस पर, तो डिस्काउंट पर इशू करने के लिए एंट्री लिखी हुई है, जिसमें वेंडर अकाउंट को आप उसी तरह उतनी ही अमाउंट से डेबिट करेंगे जितने का एसेट हमने उसे बाय किया। डिस्काउंट ऑन शेयर अकाउंट डेबिट होगा। डिस्काउंट के बारे में कल बात हुई थी कि डिस्काउंट इज अ कैपिटल लॉस, दैट्स व्हाई इट इज डेबिटेड, और शेयर कैपिटल आपका क्रेडिट हो जाएगा, और शेयर कैपिटल आपका शेयर कैपिटल में इजाफे की वजह से ही क्रेडिट होगा। और एक बात याद रखिए जो मैंने कल भी कही थी कि शेयर कैपिटल को हमेशा हम किससे क्रेडिट करेंगे, फेस वैल्यू यानी पार वैल्यू से। अब जितने शेयर हम इशू करेंगे उनकी पार वैल्यू से शेयर कैपिटल यहां पर भी और ऊपर भी क्रेडिट होगा। यहां पर जो डिस्काउंट या प्रीमियम की अमाउंट है ये एडजस्ट होगी अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ शेयर्स एंड प्रीमियम और डिस्काउंट अमाउंट पर शेयर। तो वो जब न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में हम उसको सॉल्व करेंगे तो वहां पर गिवन अमाउंट को हम एडजस्ट करेंगे, वहां पर आपको वो चीज सिखाई जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि बेटे आज की ये एंट्रीज और ये टॉपिक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। मज़ीद डिस्कशन के लिए व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप। तब तक अल्लाह हाफिज़।